बहुत समय पहले की बात है एक गांव में दो भाई रहते थे बड़े भाई का नाम था मोहन और छोटे वाले भाई का नाम था सोहन मोहन के घर में दो पेड़ था एक आम का पेड़ था और दूसरा सूखा पेड़ था एक दिन मोहन अपने आम के पेड़ में पानी दे रहा था तभी वहाँ पर रोहन आता है और अपने बड़े भाई से कहता है बड़े भैया आप सिर्फ इस आम के पेड़ को ही पानी क्यों दे रहे हैं? इस सूखे पेड़ को भी पानी दीजिए ये भी तो आम का ही पेड़ है इसे अभी पानी की जरूरत है अगर आप इसे भी पानी देंगे तो ये पेड़ भी पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा और आपके पास दो आम के पेड़ हो जाएंगे भैया आप इस सूखे पेड़ को भी पानी दीजिए तुम भी कैसी बातें कर रहे हो सोहन इस सूखे पेड़ में पानी डालने से कोई फायदा है कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पेड़ पूरी तरह से सूख गया है जितनी मेहनत करके मैं इस पेड़ में पानी डालूँगा उतनी मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ये आम के पेड़ को देखो ये आम का पेड़ कितना हरा भरा है इस पेड़ को पानी देने से एक महीने बाद इस पेड़ में मीठे मीठे बड़े बड़े आम उगे होंगे और इस सूखे पेड़ को अगर मैं पानी देता हूँ तो ये सिर्फ हरा भरा पेड़ बनेगा इतना समय में तो मेरा ये आम का पेड़ मुझे मीठे मीठे बड़े बड़े, बड़े आम देने लगेगा और फिर मैं उस मीठे मीठे आमों को तोड़कर बाजार में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। इसलिए इस सूखे पेड़ को पानी देने से कोई फायदा नहीं है इस सूखे पेड़ को जल्दी ही मैं काट कर बाजार में बेच दूंगा ताकि उस सूखी लकड़िया से कुछ पैसे मिल जाए सोहन तो अब तुम्हें समझ में आया मैं सूखे पेड़ में पानी क्यों नहीं डालता और अपने इस आम के पेड़ में पानी क्यों डालता हूँ हाँ भैया मुझे ये बात समझ में आ गई लेकिन भैया हमें इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ हमें फल खाने को देता है और उसके घने पत्तों की वजह से हमें धूप में छाया मिलती है इसलिए हमें इन पेड़ को नहीं काटना चाहिए लेकिन भैया अगर आपको इस पेड़ की जरूरत नहीं है तो क्या मैं इस पेड़ को आपसे ले लूं इस पेड़ को मैं रोज पानी दूंगा सोहन मुझे इस पेड़ की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम इस पेड़ को लेना चाहते हो तो तुम ले सकते हो लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो जो इस सूखे पेड़ को लेना चाहते हो तो फिर ठीक है भैया आज से ये सूखा पेड़ मेरा हुआ भविष्य में आप कभी भी इस पेड़ में अपना अधिकार मत जमाइएगा कैसे बातें कर रहे हो सोहन ये पेड़ मैंने तुम्हें दे दिया मतलब दे दिया इस सूखे पेड़ की मुझे कोई जरूरत नहीं है और तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम इस पेड़ को रखना चाहते हो इसलिए मैं ये पेड़ तुम्हें आज से दे दे रहा हूँ आज के बाद से मेरा इस पेड़ पर कोई अधिकार नहीं होगा ये पेड़ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा धन्यवाद भैया मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा आपने इस सूखे पेड़ को देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है अब आप देखिएगा इस सूखे पेड़ को मैं रोज पानी दूँगा और इसे पहले की तरह हरा भरा पेड़ बना दूंगा इतना बोलकर सोहन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी रानी को सारी बात बताता है सारी बात सुनने के बाद रानी सोहन से कहती है आपने ये बहुत अच्छा किया लेकिन उस सूखे पेड़ को हम पानी कहाँ से देंगे हमारे घर में तो कुआ भी नहीं है और भैया के यहाँ पर कुआ है लेकिन भाभी इतनी बदमाश है कि वो हमें अपने कुएं से पानी लेने नहीं देगी तो फिर हम सूखे पेड़ को पानी कहाँ से देंगे रानी मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे यहाँ कुआ नहीं है और भैया के यहाँ पर कुआ है लेकिन भाभी हमें अपने कुएं से पानी लेने नहीं देगी लेकिन हमें एक बात और भी याद रखना है कि हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा नदी है उसमें पानी है हम दोनों मिलकर उस नदी से पानी लेकर आएंगे और रोज सूखे पेड़ को पानी देंगे और फिर एक दिन रानी और सोहन दोनों बाल्टी लेकर नदी की ओर जाने लगते हैं नदी पहुंचकर सोहन और रानी एक एक बाल्टी पानी ले लेते हैं और फिर दोनों वापस आने लगते हैं और सूखे पेड़ के पास पहुंचकर सूखे पेड़ को पानी देते हैं और फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं एक दिन रानी और सोहन देखते हैं कि उस सूखे पेड़ में बहुत सारे पत्ते उग गए हैं और आम के फूल भी निकल आए हैं ये देखकर सोहन और रानी दोनों बहुत खुश होते हैं तभी सोहन रानी से कहता है देखो रानी भैया इस पेड़ को काट कर बेचना चाहते थे क्योंकि ये पेड़ सूख गया था लेकिन देखो हम दोनों की वजह से इस पेड़ को पानी मिला और ये पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो गया और कितनी जल्दी इस पेड़ में आम के फूल भी उगने लगे हैं रानी देखना बहुत जल्द इस आम के पेड़ में बड़े बड़े आम भी उगे होंगे हाँ आप सही कह रहे हैं इस सूखे पेड़ में बहुत जल्दी पत्ते आ गए और इस पेड़ में आम के फूल भी उगने लगे हैं देखिएगा बहुत जल्दी इसमें बड़े बड़े आम उग जाएंगे और फिर उस मीठे आम को बाजार में बेचकर हम पैसे कमाएंगे इस तरह हमारे पास एक रोजगार का साधन भी हो जाएगा और हमारा घर अच्छी तरह चलने लगेगा और फिर सोहन और रानी वहाँ से चले जाते हैं और रोज की तरह उस पेड़ को पानी देते हैं एक दिन सोहन और रानी देखते हैं कि उनके पेड़ में छोटे छोटे आम उगे हुए हैं ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं तभी मोहन की पत्नी मीना मोहन से कहती है देखिए ना सोहन ने इतनी मेहनत की इस सूखे पेड़ को रोज पानी दिया लेकिन फिर भी इस सूखे पेड़ में छोटे छोटे आम उगे हुए हैं और हमारे पेड़ को देखिए हमारे पेड़ में कितने बड़े बड़े आम उगे हुए है और वो भी बहुत ही मीठे मीठे आम है भाभी ये पेड़ सूख रहा था और भैया इसे काट कर बाजार में बेचने वाले थे लेकिन मैंने इस पेड़ को ले लिया और इस पेड़ को रोज पानी दिया तब जाकर ये पेड़ इतना हरा भरा हुआ है इस पेड़ से मुझे कोई भी लालच नहीं है अगर इस सूखे पेड़ से मुझे ये छोटे आम भी मिलते हैं, तो मैं खुश हूँ हाँ सोहन तुम तो अच्छी अच्छी बातें करोगे ही ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें ये पेड़ छोटे छोटे आम दे रहा है सुनिए जी हमारे पेड़ के जितने भी बड़े बड़े आम हैं, उन सब आम को आप तोड़ लीजिएगा नहीं तो ये सोहन और रानी का कोई भरोसा नहीं है मौका देकर हमारे पेड़ के बड़े बड़े आम ये चोरी कर लेंगे इसलिए मैं आपको कह रही हूँ सारे आम तोड़कर बाजार में आज के आजी बेच दीजिएगा भाभी आप हमारे बारे में यही सोचती हैं आपको क्या लगता है हम चोर हैं आपकी ऐसी नीच सोच है मैं नहीं जानती थी आपके आम बड़े बड़े हो या छोटे छोटे हमें कभी भी लालच नहीं हुआ है हम अपने छोटे आम में ही खुश है और फिर मोहन अपने पेड़ के सारे आम तोड़ लेता है वहीं दूसरी तरफ सोहन भी अपने पेड़ के सारे छोटे छोटे आम तोड़ लेता है और फिर मोहन अपने आम को बाजार में बेचने के लिए आ जाता है वहीं दूसरी तरफ उसी बाजार में सोहन भी अपने छोटे छोटे आम बेचने के लिए आ जाता है आइए आइए हमारे यहाँ से बड़े बड़े और मीठे मीठे आम खरीदिए वो भी कम दामों पर। आइए आइए जल्दी आइए मीठे मीठे आम खरीदिए मोहन की आवाज़ सुनकर ग्राहक मोहन की दुकान पर आने लगते हैं आम खरीदने के लिए बड़े बड़े आम देकर ग्राहक खुश होते हैं और आम खरीद लेते हैं इस तरह धीरे धीरे मोहन के सारे आम बिक जाते हैं मोहन ये देखकर बहुत खुश होता है सोहन मैंने तुमसे कहा था ना, उस सूखे पेड़ को पानी देने से कोई फायदा नहीं देखा तुम्हारी तरफ एक भी ग्राहक नहीं आया और मेरे आम बिक कर खत्म भी हो गए भैया मुझे किसी तरह का लालच नहीं है मेरे आम मीठे हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है मैं कम दामों पर भी आम बेच रहा हूँ लेकिन फिर भी ग्राहक मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं लेकिन जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा आम अच्छा है और कौन सा आम अच्छा नहीं है तो ग्राहक अपने आप मेरे आम खरीदने आ जाएंगे अगली सुबह सोहन और मोहन अपने आम बेचने के लिए दोबारा बाजार में आ जाते हैं मोहन अपने आम बेच रहा होता है तभी मोहन के दुकान पर वो ग्राहक दोबारा आते हैं, जो मोहन से आम खरीदे थे और फिर वो मोहन से कहते हैं, मोहन कल हम तुम्हारे यहाँ से आम खरीद कर गए थे वो सारे के सारे आम खराब है और आम खाने में बहुत ही खट्टा है मीठे आम बोलकर तुमने हमें महंगे दामों पर आम बेचा और तुम्हारे आम भी सही नहीं है ये लो हम तुम्हारे सारे के सारे आम लेकर आए हैं हमारे पैसे वापस करो इतना बोलकर वो ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं और आम खरीदने के लिए सोहन के दुकान पर आते हैं और सोहन के आम को चक्कर वो देखते हैं, उन्हें आम खाने में बहुत ही मीठा लगता है और फिर वो ग्राहक सोहन के सारे आम खरीद लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं ये देखकर सोहन बहुत खुश होता है वहीं दूसरी तरफ मोहन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने घर वापस आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि उस सोहन को वो सूखा पेड़ मत दीजिए देखा ना आपने उस सोहन ने आपके पेट में ही लात मार दी मैं तो कहती हूँ अगर उस सोहन को अपने रास्ते से हटाना है तो उसके उस सूखे पेड़ को हटाना होगा मैं तो कहती हूँ आज रात को ही आप उस सोहन के सूखे पेड़ को काट दीजिए फिर ना पेड़ होगा और ना आम होगा और बाजार में आप अच्छी तरह आम बेच सकेंगे हाँ मीना तुम सही कह रही हो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सोहन पूरे बाजार में कब्जा कर लेगा और फिर उसी के आम बिकने लगेंगे फिर मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज रात को ही सोहन के उस सूखे पेड़ को काट दूंगा इतना बोलकर रात के समय में मोहन और रानी उस सूखे पेड़ के पास आते हैं मोहन जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है उस पेड़ से एक डाल मोहन और मीना के ऊपर गिर जाता है जिस वजह से वो घायल हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं सुबह हो जाती है सुबह जब सोहन और रानी अपने पेड़ के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मोहन और मीना बेहोश पड़े हुए हैं। तभी रानी मोहन और मीना के चेहरे पर पानी डालती है मोहन और मीना को होश आ जाता है अपने सामने सोहन और रानी को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर मुझे माफ कर दो सोहन मैं तो यहाँ पर तुम्हारा नुकसान करने आया था लेकिन भगवान ने मुझे मेरी करने की सजा मुझे दे दी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे माफ़ कर दो सोहन मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी मुझे माफ़ कर दो भैया आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है